आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कांग्रेस एक घोटालेबाज पार्टी है। कांग्रेस मुक्त राजस्थान करे, कांग्रेस मुक्त भारत करे, और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें भी कांग्रेस के हाथ की जांच करे कि अगर मणिपुर की बात उठाते हो तो पहले राजस्थान की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पे भी आपको कुछ बोलना चाहिए। राहुल गांधी तो घोटालेबाज ही है कांग्रेसी। कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है, तब भी चोर कर रहे थे, अब भी चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो 2010 का, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले भी तो क्या घोटाले थे, जीजाजी घोटाला। अब बताओ रॉबर्ट वाड्रा की जो फाइलें जांच हो रही थी उस बैंक की डूब गया, बैंक के बेसमेंट में पेपर थे वही डूब गए, डुबा दिए गए। आप बताओ सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड घोटाला, राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पे है। वो अगस्ता वेस्टलैंड कांग्रेस काल का, कोयला घोटाला कांग्रेस काल का, मनमोहन सिंह के हाथ काले हो गए थे उसमें, 2G घोटाला कांग्रेस काल का, कैग की रिपोर्ट में नाम आ गया था इनका, अब भी इन्हीं के घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कांग्रेस एक घोटालेबाज पार्टी है। कांग्रेस मुक्त राजस्थान करे, कांग्रेस मुक्त भारत करे, और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें भी कांग्रेस के हाथ की जाँच करे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुँची थी। मतलब हम इसको कांग्रेस सरकार ने घोटाला सरकार क्या, घोटाला सरकार, कांग्रेस मतलब घोटाला, और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भी छुपाया जा रहा है। मैं कहता हूँ ये भी एक घोटाले की श्रेणी में आना चाहता है कि भैया वो बंदा मंत्री होके भी उजागर कर रहा है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। घोटाले का मतलब क्या कर होता है कि चोरी चकारी डकैती करो और उसे छुपा लो, और वो उजागर हो जाए तो वो घोटाला हो गया। तो यह भी एक घोटाला है जो राजेंद्र गुणा ने उजागर किया है। और बड़ी बात है कि विधानसभा के सदन में जहाँ पे अपने धर्म की किताब की, अपने संविधान की शपथ लेके कोई मंत्री बनता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सत्य बोल रहे हैं कि अगर मणिपुर की बात उठाते हो तो पहले राजस्थान की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पे भी आपको कुछ बोलना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जितने भी कांग्रेसी है सबसे पहले अपने राज्यों में हो रहे अपराधों पर अपनी जुबान खोलो। और एक और बात, अभी एक गोबर घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो हुआ है 239 करोड़ रुपए के। अरे मैडम उसकी कोई फाइल नहीं मिल रही, उन्होंने गोबर खरीदा है, फर्टिलाइजर सॉरी गोबर से कुछ एक, आजकल गोबर से बहुत सारी गांव इकोनॉमी बनाई थी इन्होंने, काओ इकोनॉमी के नाम से इन्होंने प्रोपेगेंडा भी चलाया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और वो 238 करोड़ रुपए का गोबर ही गायब कर दिया, कहीं से इंपोर्ट किया था। तो वो कहीं फाइल में मेंशन नहीं है कहां से किया, किसको पेमेंट करी, कहां ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं है। वो सारा का सारा 238 करोड़ भूपेश बघेल ने अपनी जेब में डाल लिया, वो भी एक घोटाला है। तो घोटालेबाज ही है कांग्रेसी। कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है, तब भी चोर कर रहे थे, अब भी चोरी कर रहे हैं, देश लूट रहे हैं। और अभी ये कांग्रेस का नाम, कांग्रेस ने जो अलायंस बनाया है, पहले इस देश में लुटेरे आए थे उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया शब्द कहाँ से आया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अब इटालियन इंडिया कंपनी चल रही है, एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी का इटालियन नाम है एंटोनिया माइनो, अब एंटोनिया कंपनी आ गई है। इस अलायंस का नाम पहले तो इंडिया नहीं होना चाहिए, अगर है तो एंटोनिया इंडिया भारत छोड़ो, हमें अंग्रेजों के विरुद्ध तब भी एंटोनिया इंडिया भारत छोड़ो। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी भारत छोड़ो। और ये बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, बाला साहेब ठाकरे ने अपनी मृत्यु से पहले जो अपना रामनवमी के दिन जो उद्बोधन देते हैं उन्होंने कहा था पंच कड़ी को हका लो, देश को बचा लो। पहली कड़ी थी सोनिया गांधी, दूसरी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी चौथी प्रियंका वाड्रा, पांचवी थी अहमद पटेल। अहमद पटेल दुनिया में नहीं रहे लेकिन चार कड़ी अभी भी है, और ये इस देश को लूटने वाली कड़ी है, इसको खोखला कर रहे हैं। इस देश को बचाना है तो कांग्रेस मुक्त भारत करो, नेहरू गांधी परिवार लुटेरे इटालियन परिवार से इस देश की राजनीति को बचाओ। कांग्रेस सरकार या घोटालों की सरकार, अपने ही जो पक्ष के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड़ा जी को, जिनको अपनी ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।